तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अनबॉक्स करने ये वाला ड्रोन, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसके बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसको ओपन करके देखेंगे परफॉर्म कैसे करता है, और फिर हम जाएंगे बाहर गार्डन के अंदर और इसको उड़ा के देखेंगे कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, यहाँ पे हमारे को दिखाई देता है ये हमारा क्वाडकॉप्टर, और इसके साथ CF919 ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट आता है, 6 एक्सेस जायरो है इसके अंदर, एंड इसका जो ट्रांसमिशन है वो वाईफाई ट्रांसमिशन है। जैसे आपके घर में वाईफाई चलता होगा तो उसी वाईफाई ट्रांसमिशन से ये फुटेज आपके मोबाइल फोन पे ट्रांसमिट करेगा। हाँ जी हाँ, इसमें मोबाइल फोन हम कनेक्ट करेंगे ऐप के थ्रू, ये हमारी को वीडियो ट्रांसमिट करेगा जो ऊपर हम देख रहा होगा ये ड्रोन। इसके पीछे देखते हैं, इस वाले ड्रोन का डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, पिक्टोरियल डिजाइन CF919 यहाँ पे दिखाया हुआ है, 2.4 GHz का ट्रांसमिशन दिखाया हुआ है, इसके अंदर लाइट है, 6 एक्सेस जायरो है, हेडलेस मोड है इसके अंदर, रिटर्न टू होम है, एंड सेल्फी मोड है। हम क्लिक करेंगे फोन पे सेल्फी आ जाएगी। हेडलेस मोड दोस्तों बहुत ही अच्छा एक फीचर होता है, जैसे कि हम ड्रोन उड़ाते हैं अगर उसका फेस उस डायरेक्शन में है, दूर चला जाता है तो हमें पता नहीं चलता उसका फ्रंट साइड कौन सी है, बैक साइड कौन सी, अगर हम लेफ्ट दबाएंगे तो वो राइट जाने लग जाता है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हेडलेस मोड एक ऐसा फीचर है, आपके सामने अगर ड्रोन है अगर वो उल्टा भी होगा तो अगर हेडलेस मोड ऑन है अगर आप लेफ्ट करोगे तो भी वो लेफ्ट ही जाएगा, वो राइट नहीं जाएगा। इससे क्या होता है कि कोई अगर ट्रबल आ जाता है बीच में, आपको जल्दी वापस बुलाना है उसको, तो आप उसको नॉर्मली कंट्रोल करके भी बुला सकते हो, या इसके अंदर रिटर्न टू होम फीचर है, रिटर्न टू होम पे क्लिक करके ये जहाँ से उड़ा था ये उसी एल्गोरिथम से चल के वहीं पे जहाँ से टेक ऑफ लिया है वहीं पे लैंड कर जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली उसी एरिया में लैंड करेगा, 4-5 feet का फर्क रह सकता है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम इसको खोलते हैं, यहाँ पे लग रही है टेप, ये मैंने नाखून से हटा दी, तो दोस्तों इसको मैं लिटा देता हूं। यहां पे मिलता है हमारे को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स, इसको हम रखते हैं अभी साइड में, और एक हमारे को मिलता है जिसके अंदर है हमारा ड्रोन। ये निकाल लेता हूं मैं, थोड़ा ये फिक्स रहता है इस अपने बॉक्स के अंदर, तो मैं जरा थोड़ी कश्मकश होती है इसको निकालने में, लेकिन मैंने निकाल ही लिया। हाँ यस, इसको रखता हूँ मैं साइड में और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रोन, इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं इस बॉक्स से, उसके बाद देखते हैं और हमारे को इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये लगा होता है नॉर्मल वायर से, जो कि तार वाली वायर होती हैं, ये खुल चुका है, यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं इस तार को और इसको हम रख देते हैं साइड में। ऐसे ही हम दूसरा भी खोल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से वायर हटानी होती है, ये जिससे बंधा रहता है, इसको भी हम डाल के तारों को इसमें ही रख देते हैं जिससे हम इसको दोबारा पैक कर सकें। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रोन, बहुत ही लाइट वेट है। अब इसकी अटैचमेंट कहीं हम सॉरी गिर गया इसकी अटैचमेंट कहीं हमारे को साथ में मिलती हैं दोस्तों इसकी अटैचमेंट कहीं हमारे को साथ में मिलती हैं दोस्तों वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये मिलता है हमारे को रिमोट का, ये रहा रिमोट कंट्रोल हमारा इसका, ये एक पॉली बैग में आता है जिसके हम टेप हटा लेते हैं। ऐसी पन्नी में तो ये रहा दोस्तों, और इसके साथ हमारे को मिलता है ये वीडियो का ऐप डाउनलोड करने के लिए एक ये पेपर जिसके अंदर चाइनीज और इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करेंगे अपने कैमरे से तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वो हमारे को डाउनलोड करनी है। इसका यूज़र मैनुअल मिलता है दोस्तों जो कि हम बाद में पढ़ेंगे या पढ़ेंगे भी नहीं। और इसके साथ हमारे को मिलता है दोस्तों ये रहा कैमरा, आप देख सकते हो ये रहा कैमरा इतने छोटा सा, और इसके अंदर ये रहा इसका एंटीना जो कि वीडियो ट्रांसमिट करेगा, ये भी हम अभी लगाएंगे इसके अंदर। और हमारे को मिलता है एक एक्सेसरीज का इसका ये पैकेट जिसके अंदर हमारे को मिलता है इसकी बैटरी, ड्रोन की बैटरी का चार्जर मिलता है, एंड इसके अंदर हमारे को मिलते हैं इसके लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर मतलब कि जो इसके नीचे लगने वाले हैं वो भी मैं लगा देता हूँ। ये हमने दोस्तों लगा दिया है इसके अंदर ये लैंडिंग गियर, तो अब ये ऐसे हो सकता है खड़ा, देख सकते हो आपका इसका लैंडिंग गियर लग गया। और इसके अंदर अब हमारे को लगाना है ये कैमरा, तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, पहले इसको यहाँ से
इसकी देखते हैं बैटरी, अगर बैटरी चार्ज करनी हो तो हमारा ये रहा बैटरी, ये रही, और इसके ये रहे सॉकेट बैटरी, और इसके इन दोनों को हमारे को देना है मिला, ये हमने मिला दिया, और हमें करना है यहाँ से ऑन। तो आप देख रहे हो एलईडी जल चुकी है, लेकिन अभी हम इसको कर देते हैं ऑफ, और इसको लगा के इसके ऊपर लगा देते हैं ये वाला कवर। क्या लगा देते हैं दोस्तों? कवर। ये हो चुका है दोस्तों बंद। अब इसके अंदर आप देख सकते हो एक ये वाला सॉकेट है, इसके अंदर लगेगा हमारा ये वाला कैमरा। तो हम जल्दी इसे लेते हैं और इस वाले कैमरे को लगा देते हैं इसमें ऐसे करके। अगर आप विदाउट कैमरा भी इसको प्ले करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और हमारे को अब क्या करना है दोस्तों, बताऊं मैं आपको? कुछ नहीं करना, अब इसको लेना है और इसको यहाँ पे हमारे को इंस्टॉल कर देना है, जो आप ये दो चीज़ें देख रहे हो। देखा दोस्तों, अभी आपका कैमरा नीचे फिट हो चुका है, और ये हमारी जो तार है ये भी निकल गई है साइड से, या इसको हम यहाँ से लेके इसके पीछे से ही ले सकते हैं, है ना दोस्तों? बढ़िया चीज़। अब हम बिना किसी देरी से के इसको करते हैं ऑन। इसे कैमरे की लाइट भी ऑन हो चुकी है, इसको रखते हैं साइड में। तो दोस्तों अब हम लेते हैं इसका रिमोट कंट्रोल, इसमें लगेंगे चार बैटरीज। तो हम जल्दी से ले लेते हैं अपनी चार डबले सेल ले लेते हैं और उनको लगा लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमने ले लिया 1 2 3 4, ये चौथा सेल भी लग गया, ये भी लगा लिया और ये भी लगा लिया हमने, और इसको कर देते हैं हम पीछे से इसकी ढपली को बंद। हम ऑन करेंगे तो पिप की आवाज़ आती है, तो हम बिना किसी देरी के इसको भी ऑन कर लिया। और इसका दोस्तों ये जो है ये इसका एक अटैचमेंट है जो कि आपके इस एंटीने पे लग जाता है, ये एक एंटीना भी है, और इसके अंदर आप इसको भी लगा सकते हो मोबाइल होल्डर को। तो इसमें हमने अटका लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे अपना मोबाइल फ़ोन। मेरे पास है ये वाला मोबाइल फ़ोन, तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हो फ़ोन भी लग चुका है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ये परमानेंट अटैचमेंट नहीं है, फ़ोन गिर भी सकता है। तो ऐसी जगह पर रह के करिएगा काम जहाँ पे अगर गिरे तो आपका सिक्योर रहे फ़ोन। तो हम दोस्तों बिना किसी देरी के इसको करते हैं ऑन, और इसको भी करते हैं ऑन, और इसको करते हैं यूँ बड़ा करके काम, ये हो गया कनेक्ट। हल्का सा थ्रॉटल दूंगा, आपने देखा ये ऑन हो चुका है, तो और ऐसे कर रहा है। अब हमारे को दोस्तों क्या करना है, अब करना है इसका कैमरा कनेक्ट। दोस्तों अब हम करेंगे इसका कैमरा कनेक्ट, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है सेटिंग्स के अंदर। अपनी सेटिंग्स के अंदर गए, तो सेटिंग्स के अंदर हमें जाना है वाईफाई के ऑप्शन पे, और वाईफाई नॉट कनेक्टेड पे क्लिक करना है। अब ये आ जाएंगे वाईफाई के सिग्नल्स। अब जैसे कि आप देख सकते हो FH861UFO लिखा हुआ आ रहा है, हमें करना है इस पे क्लिक। इसमें कोई पासवर्ड सेव नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये कनेक्टेड आ गया तो हमारे को जाना है दोस्तों ये HTUFO की ऐप पे, जो कि हमने उससे करी है, और इसमें हमें करना है अलाओ, और ये भी अलाओ, और ये भी अलाओ, ठीक है। अब हमने ये कर दिया दोस्तों इसके अंदर क्लिक, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसके अंदर हमारे को UFO देखना है। स्विच ऑन द प्रोडक्ट, एंटर द मोबाइल फोन सेटिंग मेन्यू, स्विच ऑन वाईफाई, सर्च फॉर द डिवाइस, हमारे को डिवाइस के लिए सर्च करना है। कंट्रोल इंटरफेस एंड देन यू विल सी द रियल टाइम वीडियो, ओके। तो हमारे को दोस्तों क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आना शुरू हो गया, वीडियो आनी शुरू हो गई है। तो ये सामने का हमारे को दिखा रहा है। अब जैसे कि मैं इसके अंदर देखता हूँ, अपनी शक्ल देखता हूँ, ओ स्मार्ट बॉय, तो आप देख सकते हो कि ये इसकी क्वालिटी है, और इसका ये टेबल पे जो मैनुअल पड़े हैं दोस्तों, ये जो आपको इसमें इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, लाइंस आ रही हैं, वो इसकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि जो स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई हैं वो हमारी एलईडी हैं, और वो फ्लिकर करती हैं। अगर हम कैमरे इसके अंदर देखते हैं, आप देख सकते हो, ये देखो इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना। तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। तो ये थी दोस्तों इस चीज़ की, अब हम इसमें जाएंगे और इसको देखेंगे। देखो जैसे कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये रहा प्लांट, ये रहा सब कुछ। तो हम इसको रखते हैं साइड में, और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों। इसमें वीडियो पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो ये वीडियो बनाने लग जाएगा। फाइल्स में करेंगे तो फाइल्स वो वाली आ जाएंगी जो हमने रिकॉर्ड करी हैं। इसमें जायरो सिस्टम है, और अगर हम चाहें तो इससे भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं,
कि अपना रिटर्न टू लॉन्च फंक्शन है, ये ड्रोन का फंक्शन है, ये वाला हम मोड ऑन कर सकते हैं, तो ये हमारे को फुल टू कंट्रोल देगा। अब जैसे कि मैं आपको हल्का सा उड़ा के दिखाता हूँ, तो दोस्तों अभी थोड़ा ये बड़ा ड्रोन है, इसको उड़ाने के अंदर ना मेरा डर लग रहा है कहीं ये कुछ खो ना जाए इसमें, मींस कहीं कुछ तोड़ा फाड़ी ना कर दे ये। तो आपने जैसे कि देखा इसे, अभी मैं इसको दोस्तों उड़ा नहीं पा रहा, लेकिन लेकिन अब हम इसको लेके चलते हैं बाहर और बाहर इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसी फुटेज रिकॉर्ड करता है और ये क्या धूम मचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाहर जाके इसको उड़ाना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस वाले प्ले मींस ड्रोन को उड़ाने जो कि है विद कैमरा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन खोलेंगे और वाईफाई को ऑन करेंगे। तो मैं पहले दिखा देता हूँ, हॉटस्पॉट हमने कर दिया है बंद, तो हमने खोला है वाईफाई, हम वाईफाई वाले पे क्लिक करेंगे और इस वाले ड्रोन को कर देंगे हम यहाँ से ऑन। तो यहाँ से हमने कर दिया है इसे ऑन, ये हो चुका है ऑन, इसको भी कर देंगे ऑन। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसको रखना पड़ेगा ग्राउंड पे, क्योंकि इसका जायरो स्टेबलाइज होगा, एकदम सही सरफेस पे रखेंगे, इसको ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे। तो ये हो गया है कनेक्ट, हम कनेक्ट करके देख लेंगे। अब हमारे इसके अंदर वाईफाई के अंदर ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी होम स्क्रीन पर जाएंगे और एप्लीकेशन को खोल लेंगे। एप्लीकेशन दोस्तों मैंने ये खोल ली है, अलाओ अलाओ अलाओ, अब हमने ये कर लिया है। उसके बाद हमारे को क्या करना है, इस बीच वाले पे क्लिक करना है, तो अब ये ऑटो लोकेट करेगा। अब आप देख सकते हो ये कैमरा इस तरफ मेरे शूज़ को देख रहा है, ये रहा मैं, देख सकते हो ना आप। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रिकॉर्ड। अब मैं इसको वीडियो वाला मोड ऑन करता हूँ, तो ये फ़ोन के अंदर ही जो जो रिकॉर्ड करेगा, कभी कभार इसके अंदर वो हो जाता है कि ये अपने आप ही वीडियो बंद हो जाती है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कैमरे, जो ड्रोन का कैमरा कैप्चर कर रहा है, इसके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही थी तो उसमें रिकॉर्ड का फीचर नहीं आ रहा था, तो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑन किया है अभी, तो बाद में समझेंगे जिससे आप लोगों को दिखा सकें कि ये कैसी फुटेज लेता है। तो चलिए अब हम इसको फ्लाई करते हैं।
बहुत बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों मेरे को आ रहा है इसको उड़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा, और जैसा कि आपने देखा है पार्क में बहुत औसम उड़ा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर आवर वीडियोस। बाय।